आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। हरियाली वाटिका में कांग्रेस के विभिन्न घटकों के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की प्रतीकात्मक उठावनी का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसियों ने देश की बिगड़ती हुई जीडीपी पर चिंता जाहिर करते हुए वर्तमान भाजपा की सरकार को एक नाकाम सरकार करार दिया। मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान बिल्कुल इस तरफ नहीं है। बढ़ती हुई गिरती हुई जीडीपी को जो आज -23 हो गई है, और मैं समझता हूँ इतनी स्थिति हिंदुस्तान की गिरी हुई है, काम +10 में थे और अगर सुधार नहीं हुआ जो आज देश की स्थिति है, उससे और ज़्यादा क्राइम बढ़ेगा, लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, और इसको कदम जल्दी उठा के इस पर सुधार किया जाए। मतलब आज देश में पूरी तरीके से जनता त्राही त्राही कर रही है। प्रधानमंत्री की वित्तीय योजनाएं जो जिस तरीके से उन्होंने नोटबंदी करके लोगों को एक बार समय दिया कि मैं लोगों के बीच में तब लौट करके आऊँगा जब इसका जो काला धन है वो वापस ले आऊँगा, लेकिन नोटबंदी का कोई असर दिखाई नहीं दिया। जनता में बेरोजगारी फैली, आर्थिक रूप से लोग परेशान हुए, और इस लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान की जीडीपी माइनस में आई है, 23% जीडीपी गिरना इस देश के विकास का एक बहुत बड़ा चक्र रुक जाने का समान है। आज बेरोजगारी फैल रही है, आयाम बनाया गया जो देश के अंदर उन्होंने जिस तरीके से तरक्की उन्नति करी, जिस तरीके से उन्होंने देश के चक्र को आगे बढ़ाया, सुई से लेके और हवाई जहाज एटमी और बम बनाए, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बेचने का काम शुरू किया है, उससे मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता आज नहीं तो कल, जो राहुल गांधी कहते हैं कि 6 महीने बाद जनता के हाथ में डंडा होगा, तो मैं बिल्कुल आपको निश्चित रूप से बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता के हाथ में वास्तव में डंडा होगा। अब हम लोग विपक्ष की भूमिका जिस तरह से अच्छे उठा सकते हैं वो उठाने का कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता को जागना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि देश की हालत वो होने वाली है, 5 किलो आटा 5 किलो गेहूं देने से या फ्री देने से कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि कभी भी विस्फोटक स्थिति होने वाली है। क्योंकि आप कल परसों एक वो जिसने मारा था पल्ली पार पे लोगों को, उसने कहा था कि खाने को नहीं है, इससे 500 रुपये मिले तो उससे कम से कम खाने को तो मिला, अब यहाँ नहीं तो जेल में तो मिलेगा। ये प्रतीकात्मक उठावनी का कार्यक्रम कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के, NSUI के सभी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को रखा है, लोगों में एक जागरूकता इस बात के लिए फैलाने के लिए कि जीडीपी का गिरना वास्तव में निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से घर पर किसी के कोई आपदा आ जाती है तो उस स्थिति में लोग एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। हमारे देश में इस समय जो महामारी का काल है, हम सबको मिलकर पक्ष और विपक्ष को अलग भूमिका निभाने का समय ये वास्तव में नहीं है, लेकिन भाजपा का नेतृत्व तो आज भी कांग्रेस के विरुद्ध बोलने में पीछे नहीं हटता है। 60 साल 70 साल के खिलाफ बोलना, नेहरू जी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ और सरकार मनमोहन सिंह के खिलाफ, यानी इस समय जब महामारी काल है तो हमें एकजुट होकर देश की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए मिलकर संघर्ष करना चाहिए।